नमस्कार, हमारा हिमाचल में आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके परिवार की संपत्ति की जांच के बाद अब सूबे में सियासत गर्माती नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राज्य विजिलेंस को इस मामले की जांच 90 दिन के अंदर पूरा करने के आदेश के बाद जहां कांग्रेस ने इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया गया कदम बताया है, तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है। हिमाचल प्रदेश में दो बड़े राजनीतिक घरानों की लड़ाई अब कानूनी जंग का रूप अख्तियार कर चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब राज्य सरकार ने विजिलेंस विभाग के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट 2 को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके परिवार की करीब 31 संपत्तियों की जांच तेज करते हुए अगले 90 दिनों में इसे पूरा कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। मैं खिलाफ जो कुप्पी किया, मैं इस परंपरा को आगे नहीं देना चाहता। शिमला और शिमले का आसपास ही कितनी प्रॉपर्टी रखी है। उधर बीजेपी इस मामले को पूरी तरह से सियासी षड्यंत्र करार दे रही है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद सीबीआई के शिकंजे में है, इसलिए जनता का ध्यान इस मामले से हटाने और प्रेम कुमार धूमल को बेवजह इस मामले में फंसाने के मकसद से ये कदम उठाया गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी डटकर मुकाबला करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल जी और उनके परिवार के खिलाफ एक झूठा केस बनाने का षड्यंत्र है, और जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबीआई के शिकंजे में हैं, न्यायालयों में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए जनता का इस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी की ये सियासी जंग आने वाले दिनों में कौन सा रुख अख्तियार करती है, इस बारे में तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासी पारा अपने पूरे चरम पर नजर आ रहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। और वहीं बीजेपी के हिमाचल सरकार पर षड्यंत्र का आरोप लगाने को कांग्रेस नेता शकील अहमद हास्यास्पद करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक अगर षड्यंत्र के तहत काम करना होता तो सीएम वीरभद्र 3 साल तक इंतजार नहीं करते। जिन लोगों ने बेटी के शादी के दिन वीरभद्र सिंह जी के घर पे छापा पड़वाया, वो बात कर रहे हैं कि राजनीतिक बदले की भावना से काम हो रहा है, इससे ज्यादा हास्यास्पद और गलत बात कोई नहीं हो सकती। ये कह रहा जा रहा है कि विजिलेंस को जो जिम्मेदारी दी है जांच की, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। जिस मामले के बारे में सीबीआई न्यायालय में लिख के दे चुकी थी कि इसमें कोई मेरिट नहीं है, वीरभद्र सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके साथ जो व्यवहार किया है उसके बाद भी किसी को ये अधिकार बनता है कहने का कि ये राजनीतिक भावना या दुर्भावना से हो रहा है? यानी कि जो सरकार है वो अपना काम कर रही है, किसी तरह से जो बदले की भावना नहीं हो रही। अगर वीरभद्र सिंह इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, लगभग 3 साल तो बिल्कुल पूरा हो गया है, चौथा साल शुरू हो गया है, अगर बदले की भावना से काम करना होता तो अभी तक धूमल जी या उनके जो सुपुत्र हैं जिन पर जमीन, सरकारी जमीन को हथियाने का आरोप है, सारे देश जानता है, तो अभी तक तो कहां से कहां बात आगे बढ़ गई होती। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और वीरभद्र सिंह जी ने बदले की भावना से काम नहीं की है, बल्कि भारत सरकार और मोदी जी की सीबीआई ने धूमल साहब के इन्फ्लुएंस में जिस दिन उनकी बेटी की शादी है उस दिन उनके घर पर छापा मारा है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं। तो भले ही कांग्रेस नेता शकील अहमद इसे हास्यास्पद करार दे रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि बदले की भावना से ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, यहां पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे वही सवाल जो शकील अहमद कहीं ना कहीं अपने फेवर पर कह रहे हैं, लेकिन उनसे यही सवाल बनता है कि आखिरकार अगर इतना कुछ चल रहा था, वहां पर संपत्ति को लेकर विवाद था, तो क्यों 3 साल तक इंतजार किया गया? बिल्कुल, यही जो सवाल है यही
का विषय भी बना हुआ है कि ये जो कार्रवाई है ये आखिर जो सीबीआई जांच है या फिर सीबीआई रेड है उसके बाद ही ये कार्रवाई जो है वो क्यों की गई। बीजेपी भी यही सवाल जो है यही सवाल तो बीजेपी भी उठा रही है कि पहले क्यों नहीं किया गया। लेकिन जो कुल मिलाकर के रीना इसमें चार बार जो है वो बैठक हो चुकी है गृह विभाग में हिमाचल प्रदेश के कि इस मामले में करना क्या है, और जब चौथी बार बैठक हुई उसके बाद ही होम डिपार्टमेंट जो है उसने सरकार को जो है फाइल भेजी अपनी तरफ से और उसमें कुछ बिंदु भी शामिल किए गए, जिसके बाद ही राज्य सरकार ने इस पर विजिलेंस इस पूरे मामले पर विजिलेंस इंक्वायरी जो है उसके आदेश पहले दिए। हालांकि पहले जो मामला सीबीआई के सपोर्ट भी करने की बात चल रही थी, चर्चा का बाजार उस समय भी गर्म था, लेकिन फिर बाद में जो है दूसरा रुख अख्तियार करते हुए इसे विजिलेंस को सौंपा गया। तो अब जो है इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। अब कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है रीना कि ये की संपत्तियां कितनी है धूमल परिवार की या फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। अब ये यही चर्चा है कि अब जिस तरह से सरकार ने ये कदम उठाया है, बीजेपी सीधे तौर पर ये कह रही है कि बदले की भावना से ये आदेश दिए गए हैं, और अब आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की सियासत क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी जो स्थिति है वो यही है कि ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन सियासी गर्माहट जो है इस ठंड में वो उससे भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के अब आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी हो चुका है, और इसके साथ ही जो है विजिलेंस जो है उसकी जांच भी अब थोड़े ही समय में शुरू हो सकती है। प्रश्नोत्तरी जो है इस बाबत तैयार कर दी गई है, जो प्रश्न पूछे जाने हैं पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों से, उसके लिए विजिलेंस ने अपनी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है, और माना जा रहा है कि कुछ ही दिन में जो है ये जांच जो है उसे शुरू कर दिया जाएगा। जी, कुछ ही दिन में जांच शुरू कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मोहित, कांग्रेस से तो सवाल वाजिब है, लेकिन वहीं अगर हम धूमल और उनके परिवार की संपत्ति की बात करें, अगर कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर जांच से किस बात का डर। जी बिल्कुल, देखिए वही बीजेपी कह रही है कि अगर जब वो इस पूरे मामले का डटकर मुकाबला करेगी, चाहे वो न्यायालय के भीतर हो या फिर न्यायालय के बाहर। न्यायालय के बाहर निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से पंचायती चुनाव जो है वो भी आने वाले हैं रीना, और इसे अब जिस तरह से बीजेपी के पास पहले मुद्दा था कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जो ठिकानों पर सीबीआई रेड हुई थी उसे प्रमुख मुद्दा जो है वो बीजेपी ने बना लिया था, और उन्हें पंचायती उस मुद्दे को पंचायती चुनाव में भी ले जाना चाहती थी जो कि सेमीफाइनल माने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले, और ये मुद्दा जो है बीजेपी जमकर उछालने वाली है, और इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां और रणनीति जो है वो बना ली है। अब जो है कांग्रेस के हाथ पलटवार का जो है वो मुद्दा लग चुका है कि ये जो विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं ये मुद्दा जो है अब इसे कांग्रेस उछालेगी इन पंचायती चुनावों में। तो कुल मिलाकर के ये जो दोनों कानूनी प्रक्रिया है इसे अब राजनीतिक रूप जो है वो मिल चुका है, और ऐसे में अब ये जो अलग अलग कांग्रेस या फिर बीजेपी दोनों के हाथ जो है वो जांच के जो मुद्दे हैं, यानी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति की जांच और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की संपत्ति की जांच, तो अब दोनों पार्टी जो हैं उनके हाथ दोनों के हाथ जो है वो ये मुद्दे लग चुके हैं जिन्हें आने वाले चुनावों में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जमकर इस्तेमाल करेगी। जी, तो टाइमिंग को लेकर भले ही कांग्रेस अपने पक्ष में बात कह रही हो लेकिन टाइमिंग को लेकर ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं हिमाचल में इस साल होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन चुनावों को कांग्रेस और बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे पंचायती चुनावों को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे की दोनों बड़ी पार्टियां इन चुनावों को काफी गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इस चुनाव को 2017 में होने वाले फाइनल से पहले के खुद को तोड़ लेना चाहती हैं। यही वजह है कि प्रत्याशियों का चयन काफी गंभीरता से किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के पास बेहतर उम्मीदवार है। हमें तो एक ही चीज सुनिश्चित करनी है कि जहां पर कांग्रेस के एक से अधिक सशक्त उम्मीदवार हैं वहाँ पे हमें मिलजुल करके उसको एक साझा उम्मीदवार उतारना है। वहीं बीजेपी नेताओं ने स्थानीय नेताओं को साफ कर दिया है कि वो साफ छवि वाले नेताओं का चयन करें। तो कुल मिलाकर के पंचायती राज चुनाव नॉन पार्टी बेसिस पर हो रहे हैं, और हमने अच्छी छवि के उम्मीदवार, समाज सेवी उम्मीदवार और विकास को तवज्जो देने वाले उम्मीदवारों के लिए चयन करने के लिए कहा है। दोनों ही दल इस बात से चिंतित भी दिख रहे हैं कहीं बागी नेता उनके लिए परेशानी ना खड़ी कर दे। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला।
चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शव की हालत देखकर लगता है कि शव झील में काफी दिनों से था, जिसके चलते इसमें बदबू पड़ गई है। अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने पहचान को लेकर कई पंचायतों को सूचना भेजी है। तो इलाके में पूरी जांच पड़ताल के बाद भी अभी ये अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है, इलाके का कोई व्यक्ति इसे अभी पहचान नहीं कर पाया है। तो जो अपस्ट्रीम में सतलुज में जो भी गांव है पंचायत है वहां मैसेज किया जा रहा है। पौडरसाई पुलिस ने शहर में अपराध रोकने के लिए नई मुहिम शुरू की है। शहर के पेट्रोल पंप मालिकों को बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों में पेट्रोल नहीं भरने की हिदायत दी गई है। मुहिम का शुरुआती असर दिख रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक के साथ साथ वाहन चालकों को भी थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। पौडरसाई पुलिस शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के मकसद से चौकस हो गई है। पुलिस ने नई मुहिम के तहत पेट्रोल पंप मालिकों को हिदायत जारी की है, जिसके तहत बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों में पेट्रोल नहीं भरने की चेतावनी दी गई है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे बढ़ते अपराध पर अंकुश लगेगा। इसमें एक लेटर जारी किया है सारे पेट्रोल पंपों के लिए कि भाई जिन गाड़ियों के पास या छोटे वाहन के पास खासकर नंबर प्लेट नहीं होगी और नंबर प्लेट अगर अप्लाई हो रहा है तो उसको टेम्परेरी नंबर होगा उसमें लगा, अगर नहीं होता है तो उनको पेट्रोल या डीजल मत दे, क्योंकि इससे ना ज़्यादातर हमारा पिछला जो ग्राफ है क्राइम का लगभग ऐसी कंप्लेंट आई है हमारे पास, जो भी क्राइम हुआ वो अप्लाइड फॉर या विदाउट नंबर प्लेट वाइज गाड़ियाँ थी। कोई भी जो बिना नंबर की जो गाड़ी आती है इस पर जो है जिसमें टेम्प्रेरी नंबर भी नहीं है नई गाड़ी पे, तो उसको हम पेट्रोल डीजल नहीं दे रहे, या वो हमें जो कागज़ चेक कराए अगर कोई नई गाड़ी लेके आया है एजेंसी से उसमें कोई टेम्प्रेरी नंबर का प्रूफ है तो हम उसे बोलते हैं अगली बार जब भी आप तेल डलवाने आओगे तो टेम्प्रेरी नंबर पर लिखवा के लिए। पेट्रोल पंप मालिकों ने पुलिस की हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया है। हालांकि जिन लोगों के वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लगी है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों का आरोप है कि पुलिस ये जिम्मेदारी उन पर थोप रही है। वहीं पेट्रोल की बिक्री में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। टेम्प्रेरी नंबर किसी को इश्यू भी नहीं हो रहे हैं तो कई समस्याएं हैं, तो हमने बोला कि इनका समाधान करो, खाली पेट्रोल पंप वालों के ऊपर ना ये चीज़ थोपो कि जो है इनको पेट्रोल डीजल मत दो, बाकी और चीज़ें जो साथ जुड़ी हुई हैं सबको जो सख्ती से बोला जाए कि ऐसा ना किया। दरअसल हालिया कुछ दिनों में हुई वारदातों में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के इस्तेमाल के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ये कदम उठाया है। ऐसे में पुलिस अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। दिनेश कनौजिया, जी मीडिया, पौडरसाई। ऊना जिले में हर बार की तरह इस बार भी चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। किसानों ने हर बार की तरह इस बार भी 70% जमीन पर आलू की फसल उगाई है, लेकिन इतनी अच्छी फसल होने के बावजूद किसान खासे निराश दिखाई दे रहे हैं। बाहरी राज्यों की आलू की भारी मांग के चलते ऊना जिले में आलू की ज्यादा खेती की जाती है, साथ ही ऊना के आलू को खासा पसंद भी किया जाता है। पिछली बार आलू की फसल के किसानों को अच्छे दाम मिले थे, लेकिन इस बार जब आलू की पटाई शुरू हुई तो मंडियों में आलू के रेट काफी कम मिले। पिछले साल जो कीमत 2400 रुपए से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो इस बार महज 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मार्केट में आलू महंगे दाम में बिक रहे हैं, जिसके चलते किसान सरकार से आलू को एक्सपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं। आधा आधा डिफरेंस हो गया पिछले साल से। पिछले साल 18-20 रुपए किलो आलू बिकता था, इस बार 12 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है। सरकार से यही मांग करते हैं कि जिम्मेदारों को देखे, उनके बारे में कुछ करे, उनको दे कोई अच्छे सीड दे कुछ करे। साढ़ा आलू एक्सपोर्ट होगा बारे में, सानू जायज भाव मिल रहा है, फिर सानू जो ऐसे भाव मिले तो गाहन आलू लाने योग्य नहीं रहना। वही कृषि विभाग के अधिकारी भी दाम कम होने की बात से इत्तेफाक रखते हैं। अधिकारी की माने तो अगर आलू एक्सपोर्ट होता है तो आलू के दाम भी बढ़ेंगे। मार्केट में जब अगर हमारा एक्सपोर्ट होगा आलू तो उसमें हमारे को मुझे मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि उससे जो है प्राइसेस जो है फार्मर्स को एक अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं। इस बार ऊना में आलू की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन यहाँ के किसान आलू के कम दाम मिलने से काफी परेशान हैं और उन्होंने सरकार से आलू का एक्सपोर्ट करने की मांग की है। राकेश मल्ही, जी मीडिया, ऊना।
भैया दूज के मौके पर हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने महिलाओं को HRTC की बसों में मुफ्त यात्रा की योजना को कायम रखा। इस दौरान महिलाओं ने भी मुफ्त यात्रा सेवा का लाभ उठाते हुए इस सुविधा को सभी महिलाओं के लिए एक अच्छा तोहफा बताया। बहुत अच्छी बात है, लेडीज के लिए स्पेशली फ्री है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अपने भाइयों को मिलने जाते हैं जो दूर दूर से आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको फ्री में ट्रेवल करने को मिलता है। इस दिन पे कोई किराया नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। ये जो भी कुछ भी सरकार ने मुहिम चलाई है, मैं तो यही बोलूंगी कि ये बहुत अच्छी है और आगे भी ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। ये बंद ना हो कभी किसी भी मतलब लड़की के लिए, किसी भी औरत के लिए बहुत अच्छी बड़ी बात है। पूरे देश के साथ साथ हिमाचल में भी भैया दूज का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भैया दूज के मौके पर शिमला में जगह जगह चित्रगुप्त पूजा का भी आयोजन किया गया। वहीं अपने भाइयों के खुशहाल जीवन, उनकी दीर्घायु और संसार के इस सबसे पवित्र रिश्ते की डोर पक्की रखने की कामना के साथ बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर मोली बांधी और अक्षत और कुमकुम का तिलक भी किया। सारे रिश्तों में से काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे महत्व रखता है ये रिश्ता, तो मुझे भी उतना ही पसंद है और उतना ही अच्छा लगा जैसे इसने मेरी लंबी उम्र मांगी। और मैं भी भगवान से ही इच्छा करता हूँ कि उसकी भी लंबी उम्र रहे, अच्छा तरक्की करे लाइफ में और हम दोनों हमेशा साथ रहें और हमारा रिश्ता कायम रहे, अच्छा रहे। और चलिए इसी के साथ हमारा हिमाचल में फिलहाल इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई खबर है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.sl.com। आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं zpunjab.com पर, फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, ट्वीट भी कर सकते हैं @zpunjab #ZPHH पर।